नहीं, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कैसे आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ते हैं और एक डबल स्ट्रैंडेड एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कॉइल फॉर्म में, डबल हेलिक्स फॉर्म में कैसे वो आता है। अच्छा, उसके लिए हमने अभी तक तो सिर्फ जो फोर्सेस पढ़ी थी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा था और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था। कुछ फोर्सेस और भी होती हैं इन डीएनए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। उनमें से पहली एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम पढ़ चुके हैं, जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस जो राइबोसोम के साथ अटैच होती है, नाइट्रोजीनियस बेसिस उनके दरमियान में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो ये हो गया, दूसरा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज की जो एक स्ट्रैंड में डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस है ना, लाइक गुआनोसिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, एडिनिन है, थाइमिडिन है, इनके दरमियान जो डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं वो भी होती है, उनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज कहते हैं उसको। सिमिलरली यहाँ भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और फोर्सेज होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। आपको पता है कि आपका जो डीएनए है ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस का जो इन्वायरमेंट है दैट इज हाइड्रोफिलिक। न्यूक्लियोप्लाज्म वाटर प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोफिलिक होगा। और ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है आपको पता है इनके अंदर कार्बन रिंग होता है, हमने आगे पिछली क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, अब ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी प्रेजेंट आउटसाइड, क्योंकि बाहर तो सारा जो है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है, तो ये इस डबल स्ट्रैंड के अंदर वाली साइड पे होंगे ताकि जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक से दूर भागते हुए ये अंदर वाली साइड में दोनों होंगे, ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है। ठीक, और तीसरा होता है जी रिपल्शन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है बेसिकली ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप भी दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब लाइक चार्जेज जो होते हैं उससे को रिपेल करते हैं, तो ये भी उससे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने के लिए ये भी इस तरफ हो गया। अब ये फास्फेट ग्रुप इधर नहीं हो सकता था, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। अब ये कुछ फोर्सेस ऐसी हैं मोस्ट प्रोबेबली ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है ये फोर्स बेसिकली डबल हेलिक्स बनाने में डीएनए के डबल हेलिक्स बनाने में हेल्प आउट करती है। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है जी, ये जो न्यूक्लियोटाइड है अब इनकी प्लेसमेंट कौन डिसाइड करता है? फॉर एग्जाम्पल क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ या क्यों जरूरी था कि थायमिडिन के सामने हमेशा जो है एथाइमिन के सामने एडिनिन बेस ही आती, ये वाला न्यूक्लियोटाइड इनके सामने आ सकता था, ये साइटिडिन मोनोफॉस्फेट भी यहाँ पर आ सकता था, सिर्फ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर इसके सामने क्यों आया? तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आप एक एंजाइम का नाम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज, बेसिकली वो जो एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा एक और बात भी है कि थायमिडिन कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ बॉन्ड विद द गुआनोसिन और साइटोसिन, इट कैन ओनली मेक बॉन्ड विद द एडिनोसिन, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, वो जो एंजाइम आपको बता रहा हूँ वो इनको प्लेस करता है, वो एक तरह से रीड करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेगा ये थायमिडिन है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से बेस उठाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको प्लेस करेगा, फिर वो यहाँ पर देखेगा कि साइटिडिन मोनोफॉस्फेट है तो वो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट उठाएगा और वो उसको प्लेस करेगा। अब वो एग्जैक्टली जो राइट बेस के सामने और राइट न्यूक्लियोटाइड के सामने राइट न्यूक्लियोटाइड लाना डीएनए पॉलीमरेज का काम है। अगर वो कहीं गलती कर भी देता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रूफ रीड करने की भी एबिलिटी होती है, आगे हम सारी आगे बातें करेंगे एप्लीकेशन में, तो वो उसको खत्म करके जो राइट न्यूक्लियोटाइड को दोबारा ले जाएगा। तो ये राइट सीक्वेंस जो बनता है बेसिकली ये डीएनए पॉलीमरेज की वजह से बनता है और जो बॉन्ड इंटरेक्शन की वजह से, यानी कि ये किसी और से बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से प्लेस होते हैं। और फिर उसके बाद प्लेसमेंट के बाद ये कुछ फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से वो जो डीएनए आपका जो बेस्ट स्टेबल जो उसकी स्ट्रक्चर बनती है दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स, वो स्टेट में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।